हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सितंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है सेकंड क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का। और साथ में कंपनी की ओर से एक अपडेट आया है, 2000 करोड़ तक का कंपनी फंड रेज करने जा रही है QIP बेसिस पर, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से जो है फंड रेज किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। और गाइज, कंपनी का पहले कॉन्सोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो नंबर मिलियंस में दिए गए हैं। इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो 2296.5 करोड़ का, जून 24 में 2078.3 करोड़ का और सितंबर 23 में 1954 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2088.7 करोड़ का, जून 24 में 1875.5 करोड़ का और सितंबर 23 में 1765.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का इंक्रीज किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 207.8 करोड़ का, जून 24 में 202.7 करोड़ का और सितंबर 23 में 188.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है लेकिन 5 करोड़ के ऑनली, और लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर देखा जाए तो, इस बार का प्रॉफिट जनरेट किया 154.8 करोड़ का, जून 24 में 150 करोड़ का और सितंबर 23 में 140 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 17.13 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंसोलिडेटेड कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश कर, सेगमेंट वाइज केबल्स एंड वायर्स, स्टेनलेस स्टील वायर, ईपीसी प्रोजेक्ट्स, अनएलोकेटेड सेगमेंट, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर। इनकम और प्रॉफिट में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिजल्ट कवर करें तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी इनकम जनरेट किया 2296.5 करोड़ का, जून 24 में 2078.3 करोड़ का और सितंबर 23 में 1954 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2088.7 करोड़ का, जून 24 में 1875.5 करोड़ का और सितंबर 23 में 1765.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंस इंक्रीज किया है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 207.8 करोड़ का, जून 24 में 202.7 करोड़ का और सितंबर 23 में 188.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 154.8 करोड़ का, जून 24 में 150 करोड़ का और सितंबर 23 में 140 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 17.13 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आएगा अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। इसका रिजल्ट आया 6 PM में और 4683 रुपीज पर शेयर क्लोज किया, 2.2% का प्रॉफिट दिया। 5 डे में 9.5% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 5.7% का प्रॉफिट है। 7 अक्टूबर को सपोर्ट लिया था 4107 रुपीज का, लेकिन उसके बाद कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला और लगभग 14% का इंक्रीज किया। और जिस तरह का रिजल्ट पेश किया गया, चांसेस की कंपनी का शेयर में कल के दिन भी तेजी आ सकता है। तो अगर आप इसके शेयर ले रखे तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसमें एवरेज कर, आप इसमें एंट्री करें तो एंट्री कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।